सोलन के शूलनी मंदिर में विवाह का आयोजन किया गया। ये विवाह का आयोजन इसलिए खास था क्योंकि ये विवाह सामाजिक संस्था शूलनी सेवा दल के द्वारा करवाया गया। शूलनी सेवा दल पिछले कई वर्षों से समाज सेवा का कार्य कर रहा है और कई गरीब परिवारों से संबंध रखने वाले युवाओं का विवाह करवा चुका है। आपको बता दें कि ये विवाह बेहद धूमधाम तरीके से आयोजित किया गया। सभी रीति रिवाजों को पूर्ण रूप और श्रद्धा के साथ निभाया गया। किसी भी तरह की कमी विवाह में नहीं देखने को मिली, जिसमें संस्थान के सभी लोग बेहद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये जानकारी संस्था के अध्यक्ष सुशील चौधरी ने मीडिया को दी। सुशील चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी संस्था द्वारा पहले गरीब लोगों के लिए केवल भंडारों का आयोजन किया जाता था, लेकिन अब उनके द्वारा गरीब कन्याओं का विवाह भी करवाया जा रहा है। उनकी संस्था द्वारा अभी तक 23 शादियां करवाई जा चुकी हैं। 24वीं शादी उनके द्वारा आज करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था बेहद धूमधाम से गरीब कन्याओं का विवाह करवाती है और अपनी बेटी समझकर सभी सदस्य विवाह में भाग लेते हैं। बारात की खातिरदारी भी पूरे जोश के साथ की जाती है। सावन का महीना आजकल चल रहा है, इस माह में विवाह होना बेहद महत्वपूर्ण है। वह कामना करते हैं कि दूल्हा और दुल्हन का भविष्य उज्जवल भी रहे। तो ये शूलनी सेवा दल है, हमने जो इसे 28 सितंबर 2014 से बनाया था और हमने एक भंडारे से शुरू किया था और उसके बाद आज हम 124 भंडारे ऑलरेडी करवा चुके हैं। और यहाँ पर जहाँ तक शादियों की बात है, हमारे पास ऐसे ही एक ऑप्शन आई थी, क्या हम शादियां करवा सकते हैं, तो माँ शूलनी के आशीर्वाद से हमारी संस्था ने इसे कहा कि हाँ शादियां करवानी चाहिए गरीब कन्याओं की जो भी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उस पर उस प्रोसेस को हमने करते हुए आज हमारी 24वीं शादी करवा रहे हैं, जिसमें कि जो लड़की है उसका नाम संतोष है और वो सिरमौर से है, जो कि वो देवघाट सोलन में रहते हैं पिछले 18 सालों से, और जो लड़का है वो अमित है, वो नभोल से है। जो भी लोग आते हैं वो ये सब सिस्टम अपने लिए ही करते हैं, अपने आप ही खुद अरेंज करते हैं। हम सिर्फ उनका जो कार्यविधि है और बाकी उनकी हेल्प है वो सब करते हैं, बाकी वो जो विवाह करना और कोई डेट निकालनी वो उनका काम होता है। पर इसी में शुभ संकेत तो होता ही है, क्योंकि यहाँ पर सावन के महीने में जो हम शादी करा रहे हैं, ये भगवान करें ये माँ शूलनी के आशीर्वाद से ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छी प्रगति करें और इनका सुखमय वैवाहिक जीवन हो।